तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर का रैंकिंग दिख ही रहा होगा जिसमें 811 लिखा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सीएस रैंक गेम के अंदर 811 पोजीशन पे, कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है ठीक ना ये ग्रैंड मास्टर का लोगो। लेकिन दुख की बात है कि ये ज्यादा देर तक मेरे अकाउंट में नहीं रहेगा क्योंकि आज है 1 दिसंबर, अभी 1-2 घंटा के अंदर ही जो ना न्यू सीएस रैंक सीजन 22 स्टार्ट होने वाला है जिसमें मेरा रैंक ड्रॉप हो जाएगा। मेरा अभी ग्रैंड मास्टर रैंक है जो कि ड्रॉप होकर के डायमंड 4 में बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी होने वाला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसी में तो मजा है। मतलब रैंक ड्रॉप करता है फिर जाके हम लोग रैंक पुश करते हैं, तो इसी में मजा आता है। तो ये सब तो होगी एक्स्ट्रा बात है, तो चलिए अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। तो काम की बात ये है कि आज के इस वीडियो में मैं न्यू सीएस रैंक सीजन जो आने वाला है उसके लिए मैं एक सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप किसी भी तरह के प्लेयर हो ठीक ना, किसी भी तरह के रसर हो, लॉन्ग रेंज प्लेयर हो, किसी भी तरह के प्लेयर हो, तो आपको एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ठीक ना, जिससे आप गेम प्ले करके न्यू सीएस रैंक सीजन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपना रैंक बहुत इजीली पुश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यू सीएस रैंक सीजन के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग को बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर भी चुनना होगा। तो अभी के टाइम में फ्री फायर गेम में 17 एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और सारे ही जितने भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर है सारे ही एक्टिव स्किल कैरेक्टर अच्छे हैं, सबकी एबिलिटी यूनिक है, सबकी एबिलिटी अच्छी है। लेकिन इनमें से जो बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है इसको जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि जैसे ही न्यू सीएस रैंक सीजन 22 स्टार्ट होगा वैसे ही दिमित्री और ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा घटा दिया जाएगा, बहुत ज्यादा। ये जो है ना सीक्रेट बात है, ये अंदर की बात है, तो आप लोग जान लीजिए कि अपडेट के बाद मतलब कि जैसे न्यू सीएस रैंक सीजन स्टार्ट होगा वैसे ही दिमित्री और ओरियन की एबिलिटी तो घटा दी जाएगी। तो बाकी जो बचा है उनमें से जो सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर जो होने वाला है वो होने वाला है तत्सुया कैरेक्टर। तत्सुया कैरेक्टर आपको पता है कि ये आपको 0.3 सेकंड के लिए स्पीड बूस्ट देता है जिसका यूज करके आप इनिमी पे रश कर सकते हैं, इनिमी से दूर भाग सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आईक्यू यूज कीजिएगा तो आप तत्सुया का बहुत बहुत ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर इस गेम प्ले में देखिए, यहां पर मैं जस्ट 1 बार तत्सुया बूस्ट यूज किया, 2 बार यूज किया और इस इनिमी के पीछे आ गया और इसको पता भी नहीं चला। देखिए इसको मैं सोनिया बना दिया तो इसको मैं मार देता हूं। तो मतलब यहां एक चीज और खासियत है तत्सुया का कि तत्सुया का आप जो है 3 बार चार्ज करके स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली जो है किसी भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर को 1 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन तत्सुया के साथ ये खासियत है कि आप इसको 3 बार चार्ज करके स्टोर कर सकते हैं और चार्जिंग टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, 45 सेकंड के आसपास है। मैं यहाँ रॉकी पैट यूज कर रहा हूँ इसलिए 40 सेकंड से भी जल्दी चार्ज हो जाता है। यहाँ देखिए फिर से मेरा चार्ज हो गया। इसके बाद देखिए मैं स्पीड बूस्ट यूज किया, इनिमी के पीछे गया और इनिमी को मार दिया। तो मतलब तत्सुया का मल्टीपल यूज है, आप इनिमी पे रश कर सकते हैं, इनिमी से दूर भाग सकते हैं ठीक ना। तो तत्सुया आपको हमेशा काम देगा और सीएस रैंक गेम के लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर है। और ओरियन और दिमित्री के डाउनफॉल के बाद अभी जो सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है वो है तत्सुया कैरेक्टर। तो आप लोग भी जो है तो आप लोग भी न्यू सीएस रैंक सीजन में तत्सुया कैरेक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कुछ दिन यूज कीजिए, 2-4 दिन यूज कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा तत्सुया कैरेक्टर कितना ज्यादा ओवर पावर एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सा पैसिव कैरेक्टर यूज करना है। तो गेम की बात करें तो गेम में बहुत सारे पैसिव कैरेक्टर है, उनमें से बहुत सारे जो है ना सीएस में यूज होते हैं और अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए सबसे ज्यादा बेस्ट पैसिव कैरेक्टर। तो विनप किसी शक के सबसे पहला जो हम लोग पैसिव कैरेक्टर यूज करने वाले हैं वो होने वाला है सोनिया कैरेक्टर, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। ये जो ना जीता हुआ मैच को हरा सकता है और हारा हुआ मैच को जीता सकता है, सोनिया कैरेक्टर इतना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। हालांकि मतलब जैसे ही न्यू सीएस रैंक सीजन स्टार्ट होगा तो सोनिया की भी एबिलिटी को थोड़ा सा घटाया जाएगा, लेकिन फिर भी सोनिया कैरेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है ठीक ना। तो इसलिए मैं सोनिया कैरेक्टर का सबसे पहला पैसिव कैरेक्टर के रूप में सेलेक्ट करता हूं और यहां सोनिया का थोड़ा पावर और यूजेस भी आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए मैं एक इनिमी आता है, इसको मैं बहुत डैमेज देता हूं ठीक ना मैं, लेकिन उसको नॉक नहीं कर पाता, वो हमको सोनिया का शील्ड ओपन कर देता है, लेकिन मैं उसको मार करके बच जाता हूं। मैं बचा उसको, देखिए मेरा फ्रेंड का भी देखिए सोनिया ऑन हो गया और फ्रेंड फाइट कर रहा था, इतने में मैं रिवाइव हो गया और मैं फाइट करना चालू कर दिया ठीक ना। तो यहां पर देखा और फ्रेंड भी रिवाइव हो जाएगा और सामने भी जो अपोनेंट आ रहा है वो भी सोनिया यूज कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कितना ओवर पावर है सोनिया कैरेक्टर और कितना ज्यादा बंदा यूज कर रहा है। मेरे में भी सोनिया यूज हो रहा है, अपोनेंट भी सोनिया यूज कर रहा है, सिर्फ ये लास्ट बंदा सोनिया यूज नहीं कर रहा है और ये इजीली मर जाता है। तो मतलब सोनिया बहुत ज्यादा ओवर पावर है, इसलिए फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में हम लोगों को सोनिया कैरेक्टर ही यूज करना है। तो इन बहुत सारे पैसिव कैरेक्टर के भीड़ में से हमने एक पैसिव कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक बेस्ट पैसिव कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया जो कि है सोनिया। क्यों सेलेक्ट किया तो मैंने आपको बता दिया। तो आगे जो है ना सेकंड पैसिव कैरेक्टर जो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं वो भी बेस्ट
अग्रेसिव कैरेक्टर है वो होने वाला है लूना कैरेक्टर, क्योंकि लूना कैरेक्टर का एबिलिटी है ये जो है ना गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है। चाहे कोई सा भी गन यूज कीजिए आपका गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देगा, ठीक ना, सिर्फ स्नाइपर को छोड़ करके। तो मतलब कि गन का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली इनिमी को हेड शॉट मार सकते हैं और बॉडी शॉट में भी इनिमी को मार सकते हैं क्योंकि आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा हुआ रहेगा। और अगर आपके पास अच्छा सब गन स्किन नहीं है तब तो आपके लिए लूना कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूना कैरेक्टर गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा जिससे आपका गन को बहुत ज्यादा पावर मिलेगा। तो एग्जांपल के रूप में ये वाला गेम प्ले देखिए, ये वाला गेम प्ले आपने पहले भी देखा, वीडियो में पहले भी मैंने दिखाया। यहां पर मैं देखिए सिर्फ बॉडी बॉडी मार रहा हूं एनिमी को, बॉडी बॉडी मार रहा हूं। तो यहां आपको एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां यूएसपी का रेट ऑफ फायर देखिए कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी एनिमी मर रहा है जबकि मैं बॉडी शॉट मार रहा हूं फिर भी एनिमी बहुत जल्दी जल्दी मर रहा है क्योंकि यहां पर मैं लूना कैरेक्टर यूज कर रहा हूं। लूना कैरेक्टर के कारण मेरा गन जो ये यूएसपी है इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एक तो मेरे पास स्किन है ऊपर से लूना कैरेक्टर यूज कर रहा हूं तो मतलब यहां पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ फायर है जिसके कारण मैं इनिमी को बॉडी शॉट में बहुत ज्यादा इजीली मार देता हूं, ठीक ना। तो मैं इसलिए आपको लूना कैरेक्टर यूज करने बोल रहा हूं सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में क्योंकि लूना रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा तो हर जगह पे काम आएगा, ठीक ना। चाहे आप लॉन्ग रेंज से गेम प्ले कीजिए या शॉर्ट रेंज में गेम प्ले कीजिए हर जगह आपको काम आएगा। सिर्फ आप जब स्नाइपर चला रहे हैं तब लूना आपका यूजफुल नहीं है, लूना यूज नहीं कर सकते हैं आप, लूना के जगह राफेल यूज कर सकते हैं, मारो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बाकी हर जगह पे लूना कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है इसलिए मैंने बोला सेकंड पैसिव कैरेक्टर में आपको लूना कैरेक्टर यूज करना है, इनिमी को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है लूना कैरेक्टर। इसके बाद बारी आती है थर्ड एंड लास्ट पैसिव कैरेक्टर की। हाँ मैं आपको दो तीन ऑप्शन बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ओथो कैरेक्टर, थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में आप ओथो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। देखिए ओथो का जो है बहुत ज्यादा हिडन बेनिफिट है, क्या सब बेनिफिट है मैं आपको बताता हूं। तो ओथो कैरेक्टर का दो एडवांटेज है, एक तो इनिमी को मार्क करता है और इनिमी को स्लो डाउन करता है। तो मार्क और स्लो डाउन कैसे करता है, जब भी किसी इनिमी को आप डाउन कीजिएगा तो उसके जो 20 मीटर के एरिया में उस पर मार्क लगेगा और उसका मूवमेंट स्पीड को भी कम कर देगा। जैसे देखिए ये मार्क इनिमी है, इसको डाउन किया, सामने भी मार्क इनिमी है उसको मैं मार दिया, ठीक ना। तो ये तो मैंने दिखाया किस तरह मार्क लगता है और ये मार्क आपके फ्रेंड को भी दिखता है। साथ ही साथ देखिए यहां पर देखिए जब पहला इनिमी को मारता हूं देखिए दूसरा इनिमी जो आ रहा है उसको स्लो डाउन कर दिया है, ठीक ना। वो धीरे 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 आ रहा था, वो ओथो कैरेक्टर के कारण हुआ कि मतलब जैसे आप एक इनिमी को मारिएगा तो उसके चारों तरफ जो इनिमी रहेगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरा जो एडवांटेज है ओथो कैरेक्टर का कि आप भी अगर डाउन हो जाएगा तो इनिमी पे मार्क लग जाएगा, इनिमी स्लो डाउन हो जाएगा। तो इससे देखिए क्या बेनिफिट होगा, जैसे यहां मैं डाउन हुआ तो देखिए इनिमी पे मार्क लग गया है, मार्क लग गया तो मेरे फ्रेंड को इनिमी का लोकेशन पता चल गया, ये डायरेक्ट आया और इस इनिमी को देखिए मार दिया क्योंकि इसके ऊपर मार्क लगा हुआ था, इसका लोकेशन मेरे फ्रेंड को पता चल गया। मेरे मरने से भी बेनिफिट है, उसके बाद मैं मारूं तो उससे भी बेनिफिट है। मतलब ओथो कैरेक्टर जो क्लोज रेंज का जब फाइट होता है वहां बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपको मैंने बोला थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर में ओथो कैरेक्टर यूज करना है। और इस ओथो कैरेक्टर के कारण ही मैंने आपको बोला था कि थर्ड जो पैसिव कैरेक्टर है वहां पर मैं आपको मल्टीपल चॉइस बताने वाला हूं क्योंकि ओथो कैरेक्टर तो क्लोज रेंज का फाइट में हेल्प करेगा। अगर आप लॉन्ग रेंज प्लेयर हैं, लॉन्ग रेंज से खेलना पसंद करते हैं तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, तो आप लॉन्ग रेंज में खेलने के लिए ओथो के जगह राफेल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्क्समैन गन जैसे वुड पिकर सब यूज करते हैं तो आप जो है ना राफेल कैरेक्टर का यूज कर लीजिए, साइलेंसर इफेक्ट मिलेगा, एनिमी जल्दी मरेगा तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्क्समैन गन यूज नहीं करते हैं, फिर भी लॉन्ग रेंज से खेलते हैं, एके वेके से खेलते हैं, ठीक ना, तो यहां पर आपको जो है ना मारो कैरेक्टर यूज करना है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप लॉन्ग रेंज से खेलिएगा तो वहां पर आपको डैमेज इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल से 20% तक ज्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है मारो कैरेक्टर यूज करने से। तो इस तीन चॉइस में से आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, अगर आप क्लोज रेंज खेल रहे हैं तो ओथो कैरेक्टर, अगर आप मार्क्समैन गन से खेल रहे हैं तो राफेल कैरेक्टर, अगर आप लॉन्ग रेंज से खेल रहे हैं लेकिन एआर गन सब यूज कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप मारो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया यहां पर मैं थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको मल्टीपल चॉइस दूंगा। तो बाकी जो कैरेक्टर है वो सेम ही रहने वाला है, मतलब कि फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में सोनिया कैरेक्टर यूज करना है, सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको लूना कैरेक्टर यूज कर लेना है जिससे गन का रेट ऑफ फायर बढ़ेगा, जिससे इनिमी जल्दी मरेगा, और अगर आप क्लोज रेंज फाइटर हैं तो ओथो कैरेक्टर यूज कर लीजिए, अगर आप लॉन्ग रेंज खेलते हैं तो मारो या राफेल में से कोई एक यूज कर लीजिए। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए बहुत सारे प्लेयर को सोनिया नहीं पसंद आ सकता है, सोनिया कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता होगा, तो सोनिया के जगह वो इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि इलाइट एंड्रू बहुत तगड़ा डिफेंसिव कैरेक्टर है। मैंने इलाइट एंड्रू की एबिलिटी पहले बताया तो आज मैं नहीं बताऊंगा, इलाइट एंड्रू बहुत तगड़ा डिफेंसिव कैरेक्टर है और जिनको सोनिया पसंद नहीं है तो वो इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज कर सकते हैं सोनिया के जगह। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रहने वाला है ये न्यू सीएस रैंक सीजन 22 के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। अगर आप इससे गेम प्ले कीजिएगा तो आप सीएस रैंक गेम में बहुत इजीली इनिमी को मार करके वो ये कर सकते हैं और अपना रैंक पुश कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया,
लिया। उम्मीद है कि आपको एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल गया होगा न्यू सीएस रैंक सीजन के लिए। तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।